हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो मैंने एक व्लॉग अभी एडिट करके डाला और दूसरा व्लॉग मैंने स्टार्ट किया। एंड इग्नोर माय फेस, क्योंकि क्या चल रहा है आजकल। सो मैं अभी बना रही हूँ सेब का हलवा। सो मैं कैसे बना रही हूँ मैं आप लोग से वो शेयर करती हूँ। 1 किलो सेब लिया है, जिसको मैंने घस लिया है ऐसे, और घी लिया है। सो मैं देखूंगी घी मुझे जितना चाहिए मैं अपना घी ऐड करूंगी। सो घी को पूरे कढ़ाई में मैंने फैला लिया ताकि चिपके नहीं, और फिर मैं ये सेब इसमें डाल दूंगी। डाल के इसको मिला लिया है। अब मैं क्या करूंगी कि इसको ढक दूंगी और इसको पकने दूँ। देखो सेब थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ रहा है, ठीक है। इस स्टेज पर ना मैं ये कुटा हुआ 2 इलायची इसमें डाल दूंगी और फिर इसको मिला लूंगी पूरे सेब में। आप देख रहे हो सेब का कलर कैसा चेंज हो रहा है, ठीक है। सो बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे, इसको छोड़ नहीं देना आप लोग ऐसे, ठीक है। इस स्टेज में क्या करूंगी ना, गैस का फ्लेम कर दूंगी एकदम कम, और ये है 250 ग्राम के करीब दूध। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दूध डालना जितना आपको चाहिए। सो मुझे थोड़ा दूध और इसमें डालना है, क्योंकि अब इसमें जितना दूध डालोगे ना उतना अच्छा बनेगा, ठीक है। दूध डाल दिया आपने, अब आप क्या करो गैस का फ्लेम कम करके ढक दो, कम भी नहीं ज़्यादा करना है, मीडियम पे करके इसको पकने दो दूध। इसके बाद हम इसको देख लेंगे कि हमारा दूध सूखा कि नहीं। सो हाँ, ऑलमोस्ट हमारा दूध सूख गया है। अब इस चीज में आप डिसाइड करना कि आपको चीनी देना है, कि आपको गुड़ देना है, कि आपको हनी देना है, क्या देना है। मुझे थोड़ा टेस्ट भी चाहिए, तो मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क मेड यूज़ करूँगी और थोड़ा सा हनी यूज़ करूँगी, सॉरी थोड़ा सा चीनी यूज़ करूँगी बस। तो ये रहा नेस्ले का मिल्क मेड, तो मैं इसको ये यूज़ करूँगी। मैंने इसमें 2 चम्मच मिल्क मेड यूज़ किया है भर के। सो ये देखो ये इस तरीके का हो जाएगा, भूजते भूजते इसको और भूजना और भूजना। आप चाहो तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हो, मैंने थोड़ा सा किया है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जितना देखे मैंने उतना ही किया है, क्योंकि थोड़ा सा कलर भी आ जाए। और हाँ, आपको इस टाइम पे काजू, किशमिश, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको अच्छा लगता है आप इस टाइम पर वो भी डाल सकते हो, बट मेरे घर में नहीं कोई खाएगा वैसे। और मेनली मैं ये बउआ के लिए, मतलब मम्मी के लिए बना रही हूँ, तो मैं कुछ नहीं ऐड करूंगी वरना उसके गले में फंसेगा। भूजो, जितना भूजोगे इतना अच्छा होगा, मैं इसको जितना भूजूंगी अभी भूजते ही जाऊंगी। तो देखो मैंने एकदम इसको सुखा दिया है ऐसे, इसको ऐसे ऐसे करके करना। देख स्टार्टिंग में देखना कितना ये खरा खरा था और अब कितना ये गल गया, इसको तो भूजा है मैंने बहुत अच्छे से। आपका हाथ का एक्सरसाइज हो जाएगा इसको भूजने में, आप इसको भूजना अच्छे से, एकदम हाई फ्लेम कर देना जब दूध सूख जाए, सब कुछ सूख जाए। देखो मेरा हलवा हो गया रेडी, मैं इसको कर दूंगी गैस को कर दूंगी बंद, और हलवा एंजॉय करना आप लोग भी। देखो सो हलवा हलवा बना के मैं नहा के हो गई तैयार। तैयार क्या मतलब, वो थोड़ा सा बाल वाल आज मैंने अच्छे से कर लिया, मम्मी ने बांधा बाल, मुझे नहीं आता छोटी करने, तो
मुझे नहीं आता छोटी मोटी करने यार, मैं क्या करूँ। और ये वाला मैंने वाला लिया था जब मैं गई थी 2 दिन पहले बाजार, तो मैं बड़ा लेके आ गई, मुझे अच्छा लगा तो मुझे लेना था और ऐसे छोटा था नहीं तो बड़ा लेके आ गया यार, बट कोई ना, अच्छा लगा तो मैं ले ली। और अभी मम्मी का काम चल ही रहा है, मैं तो गई और नरवी गई है बाहर आंटी के घर में, और बस मैं बैठी हूँ और अब खाना वाना खाऊंगी। पता नहीं, मन नहीं कर रहा खाना वाना खाने का आज, पता नहीं मुझे क्या ही हो रहा है यार, कुछ मन ही नहीं कर रहा। और ये नहीं है यहाँ पटना में ही नहीं है, और मन नहीं लग रहा है, बैठे थे तो पास था। और मेरे इन लॉज की इधर शादी है, तो मैं सोच रही हूँ मैं क्या पहनूँ। मेरे शादी के पहले के भी कुछ ड्रेसेस हैं जो मैंने नहीं पहने हैं, तो मैं सोच रही हूँ मैं वही कुछ पहनूँ। और तो देखती हूँ, ब्लाउज मैंने दिया है ढीला करने के लिए, जो पहले के ड्रेसेस लहंगे ये सब अब यूज़ नहीं करूँगी तो कब करूँगी यार, वही है तो देखती हूँ। और साड़ी भी बहुत सारा है तो उसके लिए तो मुझे सोचना है क्या पहनूँ, समझ नहीं आ रहा। मतलब इनके बड़े भैया, मतलब मामी जी के बेटे हैं, मतलब इनसे बड़े हैं, तो उनकी शादी अब हो रही है, तो मेनली मेरी जेठ की शादी है तो मुझे जाना है। मम्मी ने बोला है कि चलना है, मैं तो बोली मैं नहीं जाऊँगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा फर्स्ट टाइम ऐसे, तो नहीं नहीं चलना है तुमको, चलना है तो एक दिन जाऊंगी शादी वाले दिन, सो उसके लिए सोच रही हूँ मैं क्या पहनूं। राम राम कर दीजिए, राम 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 राम। बोलो बोलो बोलो, पापा पापा को ही भेजेंगे, बोलो पापा। यही है मैं, बहुत। सो आप लोग भी खाना और बनाना और ट्राई करना, ये बहुत ही यम लगता है खाने में, है ना हमें, और बहुत हेल्दी ऑप्शन भी है। आप अगर सेब ऐसे नहीं खा सकते तो आप हलवा बना लो, तो मम्मी सेब नहीं खाती ऐसे, तो इसको तो हर वीडियो में आना है। और धनवी को भी खिला रही है, खिलाओ मम्मी धनवी को पहले। तो मम्मी भी खा रही है, धनवी को भी खिला रही है, तो आप अपने बच्चे को देना, 6 मंथ के बाद वाले बच्चे को आप दे सकते हो, और इतने वाले बाल मतलब 5 या 6 ईयर्स तक के बच्चे को आप दो ये बना के, क्योंकि उसके बाद तो बच्चे समझ जाएंगे कि ये क्या चीज़ का हलवा है, तो उसके पहले तो इसको अच्छा लग रहा है, इसको ऐसे ही 5-6 चम्मच दो खिला इसको ऐसे ही। तो मैंने धनवी के लिए ही बनाया मेनली, और धनवी की नानी के लिए, इन दोनों के लिए ही बनाया। सो अब ये अच्छा बना है, मम्मी को अच्छा लग रहा है, तो मैं बना के देख लो, रुक जाओ। अभी हो रहा है रात का वक्त और मैं बना रही हूँ अपना खाना। तो आज मेरे खाने में क्या, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं बना रही हूँ ये एग फ्राइड राइस। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो आप बताना, मैं आपको बना के बताऊँगी। फिलहाल तो मैंने नहीं शूट किया है, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट खाना है। मुझे आप इसे लंच में दे दो, आप मुझे इसे डिनर में दे दो, मैं कभी भी खा लूँगी, बिकॉज ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब अच्छा लगता है। मुझे एग बिरयानी भी बहुत पसंद है, बट प्रॉब्लम इज एग मुझे भारी करता है, मुझे उतना नहीं जमता है, मुझे अच्छा लगता है। मैं मैगी में भी एग ऐड करके खाती हूँ, मैगी में एग बहुत अच्छा लगता है। सो आप लोग मुझे बताना, कमेंट्स करना यार, आप लोग मुझे कमेंट्स नहीं करते हो ना ही आप लोग मुझे फॉलो करते हो, जल्दी जल्दी फॉलो करो जल्दी। और देखो बाकी
ठंड थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है और जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है मेरा अर्थराइटिस अटैक मार रहा है, मतलब मुझे पेन स्टार्ट हो रहे हैं, कभी कमर में, कभी हाथ में, कभी किधर कभी किधर। मैं मसाज ले रही हूँ डेली, बट मैं नहीं लूँगी, एक सेकेंड मैं पहले बना लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। तो मेरा एग फ्राइड राइस हो गया रेडी, ये बहुत अच्छा हेल्दी ऑप्शन है, बट सॉरी थोड़ा सब चीज़ दे के बना लूँ मैं। इसमें बीन्स, गाजर ये सब भी ऐड करती हूँ, था भी मेरे पास बट मैंने नहीं ऐड किया क्योंकि मुझे काटने का मन नहीं था, क्या करूँ मुझे झटपट बनाना था, तो मैं भूज के रख दी हूँ। अब मम्मी पूरा गैस पर साफ करेगी, पोछा पोछी करेगी, फिर हम मम्मी और साथ में बैठ के खाएंगे क्योंकि मम्मी को अकेले खाना अच्छा नहीं लगता, बोलती हमको अच्छा नहीं लगता, तो हम बोलते जब हम नहीं रहते तो तुम कैसे खाता है, तो बोलती है तब तो खा ही लेते हैं, तब तो मन में रहता है कि कोई नहीं है, अच्छा नहीं लगता। मम्मी तो बोलती जब तुम नहीं रहती तो टीवी चला के खा लेते हैं या तुमको उस टाइम फ़ोन ही कर देते हैं तो खा लेते हैं, तो क्या करूँ। तो आज नहीं आई थी आंटी, तो ना मैंने देखा जब तक मैं रेगुलर मालिश वगैरह करवा रही हूँ ना तो मेरा पेन कम है, मतलब मुझे एहसास नहीं हो रहा वैसा पेन का, ठीक है आज छोड़ दिया मैंने तो मुझे बहुत पेन है मैं समझ, तो फिर मैं क्या मतलब हर दिन थोड़ी ना मालिश करवाऊँगी, हर दिन थोड़ी ना मसाज लूँगी या नहीं लूँगी यार, मैं तो सोची थी मैं एक महीना लेके छोड़ दूँगी, बस ठंड अचानक से बढ़ गया और मैं घर में ऐसे ही। हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो मैंने कुछ व्लॉग कल शूट किया था, कुछ बनाया था मैंने, तो मैंने सोचा मैं शूट करके आप लोग से भी शेयर करूं, और मैं नहा वहा के मैं हो गई हूँ फ्रेश, आज मैं बहुत सवेरे नहाई क्योंकि मैं सोची थोड़ा बाहर जाऊं क्योंकि मैंने जो ड्रेस सोचा है मैं पहनूं शादी में तो वो मेरे शादी के पहले का ड्रेस है, और पहले तो मैं बस क्रॉप टॉप स्कर्ट ये सब लेती थी तो उसके साथ दुपट्टा बहुत छोटा आता था, ठीक है तो मुझे अब जाना है शादी में तो वहाँ पे ऐसे छोटा सा दुपट्टा लेके अच्छा नहीं लगेगा और मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं सोच रही हूँ उसके मैचिंग का कुछ देख लूँ, कुछ अच्छे दुपट्टे अगर मुझे मिल जाते हैं तो मैं ले लूँ, तो देखती हूँ जाके मार्केट अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं ले लूँगी, और बाकी आज धूप अच्छा खासा किया है बट मुझे ठंड लग रही है तो मैं ऐसे खिड़की खोल के ऐसे बैठी हुई हूँ, बाल बाल मेरा अगर सूख जाएगा उसके बाद फिर आगे का सोचूंगी क्या करना है नहीं करना है, और बस और अभी सेकंड व्लॉग स्टार्ट करूँगी, ये वाला व्लॉग का एंडिंग देना था मुझे तो मैंने कल नहीं दिया था तो सोचा मैं दे दूँ आज, और बस सो थैंक यू एंड बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो यार, सो बाय टेक केयर एंड मिलती हूँ सेकेंड व्लॉग में, बाय।